हेलो दोस्तों, परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, फ्लाइट और ट्रेवल्स को लेकर कुछ जरूरी अपडेट है, उस पर बात करते हैं। तो पहली अपडेट सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्रालय की तरफ से आई है। सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्रालय ने अब एक दिन में उमरा की कैपेसिटी को 1 लाख कर दिया है, यानी अब एक दिन में 1 लाख लोगों को उमरा करने की परमिशन मिलेगी। उनको इजाजत होगी कि 1 लाख लोग अब एक दिन में उमरा करेंगे। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सऊदी अरब में कोरोना के हालात बहुत ही स्थिर हैं, लगातार गिरावट हो रही है। पिछले 24 घंटे में जो कोरोना के नए केस रिकॉर्ड किए गए हैं वो मात्र 44 हैं। तो इसलिए सऊदी के हज और उमरा मंत्रालय ने अब फैसला किया है कि एक दिन में उमरा की कैपेसिटी को अब 1 लाख कर दिया जाए। अब दोस्तों बात करते हैं इंडिया और सऊदी अरब के दरमियान नॉर्मल फ्लाइट को लेकर। तो इंडिया और सऊदी अरब के दरमियान कई बार मीटिंगें हुई हैं, कई बार बातचीत हुई है, लेकिन नतीजा हर बार ढाक के 3 पात ही होता है। अभी तक कोई फाइनल डेट नहीं आ पाई है कि उन लोगों को ट्रेवल करने की परमिशन कब मिलेगी जो लोग इंडिया में वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं। बहरहाल, अगर आप ट्रेवल करना चाहते हैं सऊदी अरब के लिए तो इस समय आप वाया नेपाल भी जा सकते हैं, वाया दुबई भी जा सकते हैं, क्योंकि कई सारे रास्ते आपके सामने अवेलेबल हैं। तो आप सऊदी अरब के लिए ट्रेवल करना चाहते हैं, नहीं रुकना चाहते हैं, आपके पास समय बिल्कुल नहीं है, आप अपने नौकरी पर, अपने काम पर, अपने जॉब पर लौटना चाहते हैं, तो आप वाया दुबई होकर या आप वाया नेपाल होकर सऊदी अरब जा सकते हैं आसानी के साथ में। अगली अपडेट दोस्तों तुर्किश एयरलाइंस को लेकर है। तो तुर्की के इस्तांबुल एयरपोर्ट से अमरीका के शिकागो के लिए तुर्किश एयरलाइंस के विमान में एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया है। अब इस बच्चे को अमरीका की नागरिकता मिलेगी, क्योंकि जब बच्चे को जन्म दिया गया उस समय जो तुर्किश एयरलाइंस का विमान था वो अमरीका के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये कोई पहली घटना नहीं है कि विमान में किसी महिला ने किसी बच्चे को जन्म दिया। इससे पहले अक्टूबर 2020 में दिल्ली और मैंगलोर के फ्लाइट में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया था। इसके अलावा नवंबर 2019 में फ्लोरिडा और कैरोलिना के लिए फ्लाइट थी, उसमें भी एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया था। अगली अपडेट दोस्तों साउथ अफ्रीका को लेकर है। तो साउथ अफ्रीका को लेकर जानकारी ये आई है, आईटा की तरफ से जानकारी दी गई है कि साउथ अफ्रीका में ट्रेवल एंड टूरिज्म सेक्टर में लगभग 2,98,000 लोगों की नौकरी जा सकती है। 2019 के डाटा के हिसाब से 3,64,000 लोग ट्रेवल एंड टूरिज्म सेक्टर में काम करते हैं और अब बताया गया है कि 80% लोगों की नौकरी जा सकती है अगर इसी तरीके से बंदी जारी रही तो, क्योंकि साउथ अफ्रीका में अभी कई तरीके से फ्लाइट पर बंदी चल रही है। इसके अलावा आईटा की तरफ से कहा गया है कि सरकार को इस सेक्टर में जल्द से जल्द मदद करनी चाहिए। इसके अलावा फ्लाइटें भी नियमित तौर पर ऑपरेट करनी चाहिए, तमाम तरीके की जो बंदिशें हैं उसको खत्म करनी चाहिए और आर्थिक तौर पर ट्रेवल एंड टूरिज्म सेक्टर की मदद करनी चाहिए साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट को, यह आईटा की तरफ से कहा गया है। अगली अपडेट दोस्तों कानपुर वालों के लिए। तो कानपुर वालों के लिए अपडेट यह है कि इंडिगो की तरफ से नई फ्लाइट की सौगात मिलने जा रही है कानपुर वालों के लिए 1 नवंबर से। खुद भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि 1 नवंबर से कानपुर से हैदराबाद के लिए, कानपुर से बेंगलुरु के लिए और कानपुर से मुंबई के लिए इंडिगो की फ्लाइटें शुरू हो जाएंगी 1 नवंबर से। ये फ्लाइटें डायरेक्ट होंगी। इसके अलावा कानपुर से बेंगलोर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट होगी और बेंगलोर से वापसी भी डायरेक्ट होगी। साथ में ही कानपुर से हैदराबाद के लिए डायरेक्ट फ्लाइट होगी और हैदराबाद से कानपुर के लिए भी वापसी की डायरेक्ट फ्लाइट होगी। साथ में ही कानपुर से मुंबई के लिए डायरेक्ट फ्लाइट होगी और मुंबई से कानपुर के लिए वापसी के लिए डायरेक्ट फ्लाइट होगी। ये फ्लाइटें इंडिगो की होगी। 1 नवंबर से कानपुर वासियों को फ्लाइट की नई सौगात मिलने जा रही है इंडिगो की तरफ से। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। तो दोस्तों ये कुछ आज की फ्लाइट और ट्रेवल्स को लेकर जरूरी अपडेट थी। बहरहाल आगे इस तरीके की कोई और अपडेट होगी, खास तौर पर इंडिया सऊदी फ्लाइट को लेकर उन लोगों के लिए जो लोग इंडिया में वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं, इस पर कोई अपडेट होगी दोस्तों तो वो आप तक पहुंचाई जाएगी। इसके लिए आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, गुड बाय।